बिहार के मुंगेर जिले में हर साल बड़ी ही धूमधाम के साथ छठ महापर्व का आयोजन किया जाता है। अब इसे लेकर नगर निगम प्रशासन द्वारा भी सभी गंगा घाटों की सफाई युद्ध स्तर पर करवाई जा रही है। वहीं जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह द्वारा स्पीड बोट के माध्यम से सभी गंगा घाटों का निरीक्षण किया जा रहा है। इस दौरान अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। गौरतलब है कि मुंगेर जो कि गंगा नदी के तट पर बसा है, इस वजह से छठ में जिले के छोटे बड़े गंगा घाटों पर अर्घ देने को लेकर छठ व्रतियों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। इस वजह से इन घाटों को सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से सही करने को लेकर जिला प्रशासन और नगर निगम अभी से ही तैयारी शुरू कर चुकी है। आगामी 7 और 8 नवम्बर को छठ महापर्व है और नहाई खाई के पहले से ही श्रद्धालुओं द्वारा गंगा स्नान का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। इसे लेकर नगर निगम प्रशासन द्वारा दुर्गा पूजा समाप्ति के बाद से ही सभी गंगा घाटों पर सफाई और मिट्टी हटाने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उसी परिपेक्ष में सभी गंगा घाटों का डीएम और नगर निगम प्रशासन के द्वारा निरीक्षण किया गया। शहरी क्षेत्र के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण आज मेरे द्वारा महापौर महोदय, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, नगर आयुक्त महोदय, मंडल पदाधिकारी महोदय और अन्य सभी नगर निगम के पदाधिकारियों कर्मियों के साथ किया गया। जितने भी हमारे मुख्य घाट हैं, चाहे बगुआ घाट है, टूबू घाट है, कटकानी घाट है, इसके अलावा हम लोग लगभग बेलवा घाट तक गए, तो सारी स्थिति को देखा है। बाढ़ को देखते हुए इस बार की जो घाट की स्थिति है उसमें विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। नगर निगम की पूरी टीम इसमें लगी हुई है और हम लोगों ने जो प्राइमरी टास्क दिया है वो 21 अक्टूबर तक का दिया हुआ है और उसके बाद जो भी कमी बेसी रहेगी हम लोग निरीक्षण करेंगे और नवंबर के प्रथम सप्ताह में 3 तारीख तक हर हाल में सभी घाटों को छठ पर्व के लिए दुरुस्त करा देंगे।